ये ऐसा नहीं होता, एक लीडरशिप के अंदर ये क्वालिटीज नहीं होते हैं। ये क्यों करते थे यकीन करें, इससे मेरे जात के लिए कोई फायदा नहीं था। अभी तक आप लोगों का मोबाइल क्लोज है तो इसके पीछे एक पूरा थीम है, आप लोगों को एक चीज़ समझाना हम चाह रहे हैं। इनकी इन एसेंस में शॉर्ट वर्ड में कहूँ तो इन तीन दिनों के अंदर आप लोगों के साथ जो वक्त गुजारा, यकीन जाने मैं अपने लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। जो कि और यकीनन इस पूरे इवेंट को सक्सेसफुल करने में पार्टिसिपेंट के साथ साथ हमारी पूरी टीम के शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने दिन रात हमारे साथ उठ के बैठ के मेहनत किए और आज हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हम इसको कामयाबी के साथ अख्ताम पजीर कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है कि तीन दिन का जो पूरा इवेंट है कामयाबी के साथ हम आज चुंदा वैली में यहाँ पे इस पूरे इवेंट को अख्ताम पजीर कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे जो तीन दिन का इवेंट था इसमें मेरे हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं, तो उसमें से मेरे पीछे शायद आपको एक फ्लैग नज़र आ रहा होगा। पिछले दो दिन में जो हमारे पार्टिसिपेंट थे उनको आप लोगों को कभी कहीं ये फ्लैग नज़र नहीं आया होगा। ये जो फ्लैग है पाक US अलमनाई नेटवर्क की तरफ से मुझे एक चैप्टर एक्टिविटी मिला होता, एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था जो कि हमने करना था, इसी मंथ में करना था, क्यों ना हमने इसको इसी प्रोजेक्ट में सम अप करके इसी प्रोजेक्ट का लास्ट जो डे था हमने पाक US अलमनाई नेटवर्क के नाम से यूथ एंगेजमेंट एक्टिविटी के नाम से इस प्रोजेक्ट को हमने आज दिन भर आप लोगों ने देखा, इसी से रिलेटेड हमने चीज़ें किया और आज अपना कैंपन है। तो इन सेंस मैं डायरेक्टली कहना चाहूँगा कि पाक US अलमनाई नेटवर्क का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी थोड़ी सी जो बजट है वो हमें प्रोवाइड किया कि हम अपने इस इवेंट को प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल कर सकें। और इसी के साथ साथ वो कहते हैं ना कि आपके दाएं बाजू और बाएं बाजू हो तो आप कभी भी नहीं गिर सकता। मैं अपनी टीम को कभी नहीं भूल सकता जो कि 2019 से लेकर अभी तक हमारी टीम किसी भी मामलात में हमें कभी डांटते थे, किसी के साथ झगड़ते थे, मतलब इन्हें टीम लड़ते थे, ठीक है, लड़ने के बाद क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं इस लेवल पर आज जब पहुंचा हूं तो यकीनन इसके पीछे मेरे टीम का हाथ है। बहुत सारे जगहों पे हमारी टीम ने रियलाइज़ किया कि ऐसा नहीं होता लीडरशिप के अंदर, शायद यही वजह है कि हमने खुद बहुत कुछ सीखा और कोशिश कर रहे हैं कि यही चीज़ आप लोगों को सिखाऊँ। मैं उम्मीद करूँगा आज के बाद आप अपने मास्टर में जाते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान को आगे ले जाने के लिए, स्पेशली पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए आप सब एक लीडर का जो है ना रोल प्ले करेंगे करेंगे। थैंक यू सो मच। और मैं ओवरऑल टीम का शुक्रिया अदा करूं, मैं कर सकता ओवरऑल टीम के मन की ओवरऑल टोटल टीम का मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूं, लेकिन मेरा दिल ये नहीं मान रहा क्योंकि हमारे टाइम का भी बहुत कमी है। मैं शॉर्ट से एक एक को बुला के मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि यही टीम है जिसकी वजह से आज तक जो है हमारे जो टीम BYO है या प्रोजेक्ट क्लब हैं, किसी भी कस्म के जो हम प्रोजेक्ट हम करते हैं डिफरेंट कस्म बेसिक इंग्लिश ग्रामर हो, प्रोजेक्ट क्लब्स हो, फर्स्ट ग्रुप वे समिट हो, ठीक है जी, जो कि कामयाब होते हैं इसी टीम की वजह से। तो मैं सबसे पहला जो है जो हमारे सामने नजमुद्दीन जो बैठे हैं जो है GB ट्रू न्यूज़ की तरफ से जो है एज ए रिपोर्टर हमारे मेम्बर्स भी हैं, स्वर्ड रिजर ने तीन दिन के जो इवेंट्स को कवर किया और हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो कि पूरे तीन दिन के लिए यकीन इनका कंट्रीब्यूशन हमारे साथ हैं और माशाल्लाह से अच्छे फॉलोअर्स हैं, पूरे दुनिया को दिखा रहे हैं। अगर मैं इसका एक बेहतरीन मिसाल ले लूँ तो हमारा जो सेकेंड डे था फर्स्ट डे था वाशो वैली में, ठीक है जी, इसी तरह का बड़ा खूबसूरत सा जगह था, वहाँ पे हमने इवेंट्स किया और एक स्कूल के अंदर हमने डिफरेंट हमारे जो लीडरशिप था उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा, स्कूल के अंदर लेक्चर देने के लिए भेजा, ठीक है जी। वहाँ से फिर कुछ आउटपुट में हमें ये मिला कि उसके अंदर स्कूल के अंदर कमरे टूटे होते, शीशे नहीं थे, उनकी कंपाउंड टूटा होता, उन चीज़ों को हमने हाईलाइट किया। वहाँ से इन्होंने GB ट्रू न्यूज़ ने नजमुद्दीन ने लाजमन हाईलाइट किया, हाईलाइट करने पर वो वीडियो रात को ही अपलोड किया, सुबह तक इतने वायरल चले गए कि उस जो स्कूल का जो मसला है ना यकीन करें नोटिफिकेशन जा रहे हो, दो दिन के अंदर उस स्कूल के तमाम मसले सोल्व हो गए।
लेकिन वो अलग बात है कि हमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इतने काले आगे रात भर हमारा सुकून खराब किया कि हमें ऑडियो डिलीट करना पड़ा। लेकिन कोई आउटपुट तो हम मास्टर को दे रहे हैं ना किसी न किसी तरह, चाहे वो कचुरा वैली के हवाले से कोई चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश किया। हम हमेशा से कोशिश करते हैं कोई ना कोई नई चीज़ हमारी टीम के थ्रू हो, जो कि बशो वैली का यकीन कर इसी 3 डेज की मैं बात कर रहा हूँ, कोई पुरानी बात नहीं है। तो कुछ तो कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और हो भी रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरह हमने कोशिश किया कि कल का वो जो इंशाल्लाह चलेंगे तो वो भी इंशाल्लाह आवाम तक पहुँच जाएंगे, तो कुछ ना कुछ आउटपुट कचुरा के आवाम के लिए हमारे लिए एक नए टूरिस्ट स्पॉट खुल जाएंगे, ठीक है किसी और से। और हम यहाँ पे हमारे साथ एक छोटा सा जो टैलेंट को हमने कोशिश किया कि उसको एक्सप्लोर करें, इस तरह हमारा कोशिश होता है कि किसी न किसी चीज़ को एक्सप्लोर करें। और इसी के साथ हमारे साथ जो है हमारे जो मीडिया पर्सन हमेशा से हमारे हर मोमेंट को हर हवाले से कैप्चर करने में साकिब कहाँ से स्पेशली वहाँ से अभी भी आप लगे हुए हैं, हम कभी नहीं बोल सकते हैं, जो कि आपके हर मोमेंट को कैप्चर कर रहे होते हैं। आप लोगों को शायद पता भी नहीं लग रहा होगा, जब पिक्चर आप लोगों के पास आ जाएंगे ना तब आपको अंदाज़ा होगा एक एक मोमेंट को कैप्चर कर रहे होते हैं। और ख़ुद वो कहते हैं ना कि तमाम चीज़ों को फ्रंट पे दिखाने वाला जो कि काम खुद करते हैं लेकिन वो खुद बैक एंड पे होता है, ठीक है जी। तो हम आपका भी दिली शुक्रिया अदा करते हैं इस पूरे इवेंट को कैप्चर करने का, हमारे जो मेमोरीज को सेव करने के लिए। और इसी के साथ मैं अपनी पूरी टीम का बारे बारे में नेम ले लूँगा, आप लोग स्टेज पर तशरीफ लाएं, मैं बारे बारे नेम लेते हुए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे साथ इसरार है जी, जो कि बेसिकली इनका जो ताल्लुक है सतपारा से है और बहुत सीनियर मेंबर हैं। यकीनन इनके कंट्रीब्यूशन BYO के लिए जितना तारीफ़ें करें, जितने अल्फाज इनकी इसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है, शायद यही वजह है, यही टीम है जिनकी वजह से हम आज इस लेवल पर हैं। इसी के साथ हमारे साथ यूसुफ भाई है, मैं चाह रहा हूँ उनका हौसला अफजाई हो, तालियां ज़रूर बजे लेकिन अंदर से रोने का फीलिंग आ रहा है। लेकिन इनका भी कंट्रीब्यूशन इतना ही है जितना बाकी टीम्स का है, बाकी टीम्स मेंबर का है। 2019 से जो लीड कर रहते हुए आ रहे हैं, डिफरेंट इवेंट्स में हमारे साथ काम किए हैं, ठीक है जी। कुछ